हेलो दोस्तों एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है और पढ़ाई त्योहार द्वार के अंतर्गत माह अक्टूबर निकल चुका है और नवंबर नया माह जो है आ गया है इस बीच जिन शिक्षक साथियों ने अक्टूबर का आकलन नहीं किया था उनके लिए परेशानियां दो दिनों तक थी कि वो कैसे जो है अक्टूबर माह का आकलन करेंगे और वेबसाइट में कुछ सुधार का कार्य जो है हमेशा चलते रहता है इसी वजह से आपको वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी आइए देखते हैं कि अभी भी आप कैसे अक्टूबर माह के आकलन का कार्य अपने बच्चों का कर सकते हैं और कुछ शिक्षक साथी जो नहीं जोड़ पाए हैं अपने बच्चों को वो भी अपने बच्चों को कैसे जोड़ें तो इसके लिए सबसे पहले पढ़ाई त्यौहार द्वार पर हम कर लेंगे लॉगिन लॉगिन की प्रक्रिया तो आप जानते ही हैं अपना आईडी और पासवर्ड डाल दीजिए जो कैप्चा कोड है वो डाल दीजिए कैप्चा कोड को आप एक बार देख लें और उसे जैसा है वैसा ही आप लॉग इन कर लें जैसे ही आप लॉग इन करेंगे शिक्षक के रूप में हमें प्रवेश करना है और जिन शिक्षकों ने अभी तक अपने बच्चों की एंट्री नहीं की है या कुछ बच्चे छूट गए हैं तो उसकी प्रक्रिया है तो पढ़ाई तुम पारा के अंतर्गत गतिविधियों की एंट्री और यहाँ पर आप देखें छोटा सा लिखा हुआ है बड़ा कर देता हूँ मैं इसको विद्यार्थियों का विवरण दर्ज करें यहाँ हमको जाना है गांव का चयन करना है कक्षा का चयन करना है और यहाँ पर आप कर सकते हैं नया विद्यार्थी जोड़ें यदि किसी से कुछ गलत एंट्री हो गई है तो आप यहाँ पर देख रहे हैं संशोधन दिया हुआ है संशोधन में आप जाकर विद्या विद्यार्थी के नाम उम्र कक्षा ये सब जो है संशोधित कर सकते हैं साथ ही साथ डबल हो गया है तो आप उसको हटा भी सकते हैं बात कर रहे हैं नए विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए तो सबसे पहले हमको यहाँ पर ये यह नया विद्यार्थी जोड़े दिया हुआ है बटन इसको हमको क्लिक कर देना है वहाँ पर उसके बाद जानकारी आ जाएगी गाँव का चयन करें कक्षा का चयन करें विद्यार्थी का नाम जाति का चयन करें माता या पिता का नाम या अभिभावक किसी का भी नाम आप कर सकते हैं लिंक का चयन कर लें विद्यार्थी का फोटो डालना चाहें तो डाल लें नहीं डालना चाहें अभी तो मत डालें और कर दीजिए सुरक्षित तो इस प्रकार आप जो है अपने बच्चों को जोड़ सकते हैं जोड़ने के बाद हमको जाना है शिक्षक के कार्य शिक्षक के कार्य में के बाद हमको आना है विद्यार्थी का असेसमेंट ये जो है विद्यार्थी के असेसमेंट में हम क्लिक करेंगे जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर हमारे बच्चों की सूची जो है हमें दिखाई देने लगती है अभी जो परिवर्तन हुआ है उसमें हम ये देख रहे हैं कि पहले ये सब जो है रेड कलर में लाल कलर में होता था और असेसमेंट करने के बाद जो है ये हरा हो जाता था लेकिन अभी इसमें कुछ परिवर्तन हुए हैं और सबसे अच्छी बात और सुकून भरी बात यह है कि अब हमारे शिक्षक साथियों के लिए जिन लोगों ने माह अक्टूबर का पंजीयन मूल्यांकन आंकलन जो है नहीं किया था वो परेशान थे उनके लिए अच्छी बात है कि पहले आप जो है जैसे देख रहे हैं यहाँ पर सभी कक्षा का एक साथ आता है मैंने सिक्स कर दिया तो सिक्स क्लास के जो है बच्चे हमको दिखाई दे रहे हैं आप देख सकते हैं है ना तो इस प्रकार आप जो है क्रमशः सिक्स सेवन एड्स अपने सुविधा अनुसार यहाँ पर फिल्टर कर लें अब हमको करना है अक्टूबर माह का तो देखिए यहाँ पर अक्टूबर माह आ गया है अक्टूबर माह के का सिलेक्शन कर लीजिए उसके बाद यहाँ पर देखिए दो चीजें जुड़ गई हैं पहले केवल असेसमेंट देवे था अभी असेसमेंट देखे भी है असेसमेंट देखे में क्लिक करेंगे तो हमको पता चलेगा कि क्या हमने इस विद्यार्थी का असेसमेंट कर लिया है देखिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ दो ग्रीन कलर हमको दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये है कि इस बच्चे का हमने अक्टूबर माह में असेसमेंट कर लिया है ऐसे ही आइए कुछ और दूसरे बच्चे का हम देखते हैं जैसे इसका हम देख रहे हैं असेसमेंट देखें तो हमको पता चल जाएगा यदि ग्रीन होगा इसका मतलब है देखिए यहां पर है योगेश निषाद ऑफलाइन का असेसमेंट नहीं हुआ है मुझसे इस बच्चे का असेसमेंट नहीं हो पाया था और जब हम एक तारीख या दो तारीख को इसको करने का प्रयास कर रहे थे तो हम नहीं कर पा रहे थे तो इसके लिए हमको करना है असेसमेंट तो सुविधा जुड़ गई है कि हमने जिस बच्चे का असेसमेंट नहीं कर पाया था उस बच्चे का असेसमेंट हम कर सकते हैं आप जो है इमोजीज की सहायता से आप अपने बच्चे के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपने जो आकलन आँकल, किया है उसके हिसाब से आप बच्चे का यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे इमोजीज को और इमोजी सेलेक्ट करने के बाद हमको कर देना है नीचे में सुरक्षित आप जितना विषय पढ़ाते हैं उस विषय का इमोजी आप सेलेक्ट कर लें और नीचे में सेव करें ये बटन जो है हमको दबा देना है इसके माध्यम से हम जो है अक्टूबर माह जो गुजर चुका है उस माह का भी अब हम आकलन कर सकते हैं तो साथियों आपने देखा कि सामने कक्षा का चयन करें उसमें डिफ़ॉल्ट सभी क्लास होते हैं और बगल में माह जो दिया हुआ है उसमें नवंबर होता है उसको ड्रॉप डाउन एरो से हमको सेलेक्ट कर लेना है और आप जिस भी कक्षा का करना चाह रहे हैं उसका आपको सेव कर लेना है सेलेक्ट करके उसका कर देना है देखिए जैसे अभी हम कर रहे हैं तो यहाँ पर मूल्यांकन नहीं हुआ ऑप्शन आ रहा है फिर से हम सेव करते हैं सर्वर में परेशानी की वजह से कई बार हमको दिक्कतों दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हो सकता है अभी सर्वर में प्रॉब्लम हो कुछ देर बाद जो है वो मूल्यांकन पूरा हो जाएगा तो इस प्रकार हम जो है अक्टूबर माह के आकलन को भी संपन्न कर सकते हैं दोस्तों यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें शेयर करें और जिन लोगों ने अब तक एजुकेशन काड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें धन्यवाद